चाहिए। हो गई है सुबह, आई मीन 11:30 बज रहा है और मैं हो गया हूँ रेडी। कहाँ के लिए तो बताया ही था यार, बाइक की भंसार 7 दिन का, बाइक पासिंग 7 दिन का हुआ था, तो आगे की पासिंग तो करवाना पड़ेगा ना भाई। तो एयरपोर्ट के पास ही हूँ तो लगेगा 5 मिनट तो लगेगा ही, अगर भीड़ भाड़ तो इस टाइम पर हो गई तो 5 मिनट तो लगेगा ही पहुँचने के लिए एयरपोर्ट कार्गो एयरलाइंस में, आई कार्गो एरिया में, वहाँ से होता है भंसार एक्सटेंड। देखते वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कितने दिन का एक्सटेंड होगा, पहले ये देखते। मुझे नहीं पता है कितने दिन का होगा, वहाँ जाके पता करते हैं, पहले 7 डेज, उसके बाद में अब देखते कितने दिन का। आज 7वां दिन ही है तो एनी हाउ आज मुझे एक्सटेंड कराना ही पड़ेगा। चलते हैं, करते हैं एक्सटेंड और बाकी का इन्फॉर्मेशन भी पास कर दूंगा कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। वैसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगेंगी, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, जब मैं नेपाल के लिए एंटर कर रहा था तभी मैंने बता दिया था कि अब तो ज़्यादातर पेपरलेस ही हो गया मैक्सिमम, कि आपको जेरोक्स करा के दो, ये करो वो करो, नहीं अब नहीं, RC बुक लेकर जाओ और भाई RC बुक दे दो, वो पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के बाकी बना लेंगे, पे करो जो मतलब सबका अलग अलग रहता है कहाँ पे करना है कैसे पे करना है, सब अमाउंट व्यवसाय का तो पे हो जाता है। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो और बने रहो वीडियो में ताकि पता रहे आगे का इन्फॉर्मेशन पता चलता रहे। बाइक लेकर चलना पड़ेगा, बाइक तो लेकर चलना पड़ेगा, भंसार भी लेना पड़ेगा, पहले हेलमेट थोड़ा साफ कर लो, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया यार, दिखा दो, देख रहे हो कितना गंदा हो गया, पूरा धूल। तो ये करना है अब मुझे सही, पहले थोड़ा सा धूल साफ किया जाए, तो थोड़ा मोड़ा साफ करें, कितना गंदगी देख रहे हो, इतना धूल, थोड़ा सा और साफ कर लेता हूँ। अभी अंदर का वाइजर तो साफ किया ही नहीं, धूल भरा पड़ा है अंदर के वाइजर में, वो भी साफ करना पड़ेगा ना भाई। देख रहे क्या धूल है, कीचड़। चलो अंदर वाइजर पे ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, क्लीन ही टाइप का है, ज़्यादा क्लीन भी नहीं है लेकिन है, क्लीन भी है, वाइजर भी क्लीन किया जाए, क्यों ही गंदा रखा जाए, साफ कर लेते हैं, इसी बहाने साफ भी हो जा रहा है और हाथ के जो बैंड बजे पड़े हैं। ये तो हो गया है साफ, काम चलाऊं जिसे कहते काम चलाऊं। अब तो भाई मुंबई घर पे जाके ही पूरा प्रॉपर साफ करूंगा रखूंगा, राइड पे चलो तो ऐसे गंदगी तो होती रहती है, और इसे साफ करने लगे तो आधे टाइम तो साफ करते ही लग जाएगा। तो हो गया भाई साफ, एटलीस्ट काम चलाऊं, साफ हो गया और चलते हैं फटाफट। अभी फिलहाल चाय भी पीना है, नीचे चाय भी पीते यार, पहले चाय भी पी लेते, थोड़ा सा जग जाए नींद से प्रॉपर। वैसे तो बाइक भी गंदी है लेकिन अभी फिलहाल के लिए काम चल जाएगा बाइक का, यहाँ पार्किंग में खड़ा कर दिया, फिर चलते चाय पीते, फिर उसके बाद में बाइक निकालते और थोड़ा सा होटल का भी देख लो। होटल वैसे काफ़ी कुछ है इसमें, शादी का भी है, शादी का हॉल एंड ऑल, बैंक्वेट एंड ऑल सब कुछ है, चल रहे फिलहाल अभी पार्किंग के बाद होटल के ये सब है, तो दे ही है फिलहाल के लिए भी होटल एंड ऑल। अभी मतलब बाहर तक है यार इसका, मैं अंधेरा में आ गया, काला हो गया, तो चले। वेल अभी तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास कि जाना कहाँ पर है, जाते जाते बता दूंगा, और हेलमेट कैमरा तो नहीं ले जा रहा, जस्ट इसी से पहुँच के बता दूंगा कहाँ पर चलना है, किधर पे जाना पड़ेगा एक्सटेंड कराने के लिए भंसार। वैसे गूगल भी सर्च कर लूँगा, क्या पता भटकने से बेटर है जल्दी ही जगह मिल जाए और पहुँच के भंसार एक्सटेंड कराया जाए। आ गया जस्ट कैंटीन एरिया में, कैंटीन नहीं, जहाँ पर बैठ के खाते हैं, तो कमरे में नहीं मिलता खाना तो यहाँ पर आके बैठ के खाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, हाँ बस खाने के लिए भी चाय पीने के लिए, हाँ बस चाय पीता हूँ यहाँ पर। वेल चाय है और हमारे साथ हैं एक मैम, नाम का नाम है ना, मुझे लगा लड़के का नाम है, सच में बोले तो गंगा राय, सो ज्यादातर लड़कों का ही नाम होता है गंगा राय, नहीं लड़के लड़के भी होता है ना। हाँ तो मैम मिले मुझे A1 होटल, होटल A1 मुझे दिखा था, मैं कल रात को मैं वही कर रहा था, मैंने होटल सर्च किया था गूगल पे, मुझे यहीं रुकना है, बट मुझे दिखा ही नहीं क्योंकि अंदर है, थोड़ा सा गेट का ना थोड़ा सा हुआ है, मैं देखा बोला लॉज में तो नहीं रुकना, मैं आगे निकल गया कंटिन्यू ढूंढते ढूंढते, फिर मैप लगाया, मैप से रिटर्न फिर आया, मैम से मिल के अच्छा लगा। अभी देखते वीडियो कब आती है, मैम कब देखेंगे, मैं देखूंगी, चलो देखूंगी पक्का। मैंने निकाल लिए पैसे, बट अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कहाँ से करना है भंसार। मैं हूँ एयरपोर्ट के पास जहाँ पर होता है अराइवल, हाँ अराइवल पॉइंट पे हूँ मैं, आगमन अराइवल दोनों के पॉइंट पे हूँ, ढूंढता हूँ यार, पूछता हूँ किसी और, किसी को पता हो तो, बाकी नहीं तो देखता हूँ जो एयर कार्गो वाला बिल्डिंग था उसमें घुस जाता हूँ, देखता हूँ वो तो बताएगा कहाँ ना कहाँ पे होगा। वैसे बोट ढूंढने के पता नहीं हो तो ढूंढना ही पड़ता है, कुछ ईजी है वैसे भी, ईजी है एयरपोर्ट लाइन में जैसे आओगे, आई मीन
पहले तो पशुपतिनाथ के साइड से आ रहे हो, तो आगमन एंड यस अराइवल के बाद में आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा कार्गो बिल्डिंग। यस ठीक है, ये कार्गो बिल्डिंग, यहाँ पर ही डायरेक्ट आपको बंसार बनवा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में बैंक है, इतना लोकेशन दे सकता हूँ, बैंक है, बैंक के पास में हेल्प डेस्क है, एनी टाइम आओ बन जाएगा। बट हाँ यही है कि 7 days का ही होगा, बट इसके बाद भी मुझे रहना, जैसे मुझे यहाँ 11 दिन रहना, तो मुझे फिर से आके फिर से एक्सटेंड कराना पड़ेगा आफ्टर 7 days, आई मीन 7th day, ये कर सकते हैं। बाकी इजी है, प्रोसेस इजी है। और अब तो काठमांडू अलग लग रहा है, जब फर्स्ट टाइम आया था भाई उस टाइम तो मुझे लगा नहीं था कि अच्छा होगा काठमांडू, बट इस टाइम पे तो अल्टीमेट क्लियर, मतलब बोलते ना क्लीन सिटी एक टाइप पे अच्छे लेवल पे जा रही है। तो हो गया मेरे बंसार का काम, बिल्डिंग का नाम है एयर कार्गो बिल्डिंग। अगर मैं अभी पशुपतिनाथ के साइड से आ रहा हूँ तो पशुपतिनाथ के साइड से मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, और अगर दूसरे साइड से आ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो उसके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। एयर कार्गो बिल्डिंग स्टार्टिंग में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके बंसार करा लो। थोड़ा भागम दौड़ी है, भागम दौड़ी मैं घर पे जाके बताऊँगा। पीछे की जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग में एक बार ही आना पड़ेगा। जहाँ पर हेल्प डेस्क पे जाओगे वहाँ पर पहले सब कुछ डिटेल होगा, फिर आगे के डेट में जाके आपको एंट्री करवाना पड़ेगा, उसके बाजू में है। फिर उसके बाद में एंट्री होने के बाद में, हाँ एंट्री होने के बाद में फिर से हेल्प डेस्क आओ, हेल्प डेस्क आने के बाद में फिर ये बिल्डिंग में, पीछे वाली बिल्डिंग में आके एक कोई है सर, उनसे सिग्नेचर लेना रहेगा। फिर जाके दूसरे सर का सिग्नेचर, वो होने के बाद में फिर पैसे पे करो, पैसे पे करने के बाद में फिर से जाके फाइनल काम हो जाएगा और आपका भंसार रेडी हो जाएगा। हो गया भाई भंसार का काम, हो गया। आया रूम पे, गाने चालू करके बैठा हूँ, पैसे भी निकाल लिया क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत है, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो मैं बोला चलो पैसे विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप, मैंने जैसे पहले ही बताया था, इंडियन 300 कुछ रुपये करते हैं और नेपाली 500 कुछ रुपये करते हैं। मैंने ध्यान दिया नहीं, 500 कुछ रुपये कटा था एक बारी विड्रॉ करने पर एक बारी में ही सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं इंटरनेशनल कार्ड से, नेपाली कार्ड का पता नहीं मुझे, वो कर लिया। अब चलते कुछ खाने की, सकते 5,000 नफर ज़्यादा नहीं रखने का, पैसा ज़्यादा रखने का नहीं, सब कुछ सेफ रखने का, तुम्हारे पास रहे उतना ही रखो जितना जरूरत है, बस ज़्यादा की जरूरत नहीं। चलते थोड़ा सा कुछ देखते इधर उधर, बाकी ट्राई करता हूँ दोस्तों को कॉल करने के लिए, अगर वो अवेल है तो बेटर है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा रोम अराउंड कर लेंगे बस। जैसे कि मैंने बताया था कार्गो का एयरपोर्ट के पास ही है, और पशुपतिनाथ सेम एज इट इज़, थोड़ा सा और आगे जाता। मैं पशुपतिनाथ गया था, मंदिर के पहले ही था, वही जो जहाँ चालू हुआ था मंदिर, बस उससे पहले मैं रिटर्न आ गया था। जाना मुझे पशुपतिनाथ जाऊँगा आराम से, कभी सैटरडे जाऊँगा पशुपतिनाथ, और अभी चल चल के जाऊँगा या तो ऑटो करके जाऊँगा, बाइक नहीं लेकर जाना, बाइक पार्क करने में प्रॉब्लम, इधर ये करो वो करो, उससे बेटर आराम से जाओ व्लॉग करो घूम के आओ पूरा। अंदर मंदिर के अलाउड कुछ भी नहीं है, तो बाहर बाहर से ही अलग दिखाऊंगा, और ड्रोन तो वैसे भी नहीं उड़ा सकता क्योंकि बाजू में एयरपोर्ट, तो नहीं कर सकता वो चीज़ भी, और वैसे भी अलाउड नहीं होगा शायद से ड्रोन उड़ाना, तो ये तो चलो ठीक है। बाकी तो नॉर्मल मिलते हैं, मस्त मस्त मस्त। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये पास कर दूँ, मैंने दिया ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया भंसार अगर एक्सटेंड करवाना है बनवाना हो, बनवाने में तो ईजी हो जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंड कराने में ना इधर उधर भागम दौड़ी बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा। मैं जैसे आज मेरे साथ में हुआ, पहले तो ढूंढना पड़ा, ढूंढने के बाद में कौन से सर कहाँ पर हैं मेरे को पूछना पड़ रहा है, मैं जाके कार्गो सेंटर में पूछ रहा हूँ, अच्छा ये सर कहाँ पर हैं, ये सर कौन है, सर है मैम है, मुझे ये नहीं, क्योंकि नाम ही सर का मैम जैसे ही था जैसे सुबह बताया मैम का नाम सर जैसा है और सर का नाम मैम जैसा था, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, तो मैंने वो पता किया धीरे धीरे। अब अगली बार मुझे जब एक्सटेंड कराना होगा, ऐसे आज कौन सा दिन है, थर्सडे, आज तो है, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे को मुझे, अब थर्सडे नहीं ट्यूसडे यार, आज कौन सा डे, आज है थर्सडे, तो थर्सडे के बाद में होता है फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, हाँ थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे को मुझे फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो इस बार जाएंगे फटाफट काम हो जाएगा सारा का सारा धड़ाधड़, क्योंकि सारे के सारे में पहचान गया ना कौन किससे क्या करना है, कहाँ सिग्नेचर लेना है, कहाँ एंट्री कराना है, कहाँ क्या करना है, बाइक का फोटो भी देना पड़ता है, थोड़ा भागम दौड़ी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो। हेलो दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, अभी मैं आया, जो ठंड थी ना मैंने तो जैकेट का वो लगा के रखा करके, थोड़ा कान बचे थे, रूम में आने के बाद मैं ये फिर से पहनना पड़ा मुझे ये जैकेट, ताकि मैं थोड़ा सा शांत सुकून और मज़े से रह पाऊँ, थोड़ा वार्म रह पाऊँ। और क्या रहा, मैं गया था घूमने के लिए यहाँ पर कोटेश्वर, आई मीन
काठमांडू में कोटेश्वर नाम की जगह है, एयरपोर्ट के पास है, यहाँ पर एक मंदिर है। मुझे एक बारी मेरे दोस्त के साथ में मैं गया था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, आई मीन पीस लगा था थोड़ा सा। तो मैं आज फिर से वही ट्राई किया, मैं सोचा वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं वीडियो बनाया नहीं अपने धुन में गुम, फिर गाने लगाए दोनों हेडफोन दोनों कान में और फिर गुम हो गया। तो वहाँ पर वीडियो बनाया नहीं, एक दो फोटो खींचा और क्या बस वही है, आज के दिन का यही रहा बस। मेन क्या काम था मेरे को, बंसार एक्सटेंड करवाना था, वो कर लिया। बाकी मैंने तो लिस्ट बना के रखा हूँ, अगली वीडियो देखना है आपको, मज़े की वीडियो आने वाली है। और जगह भाई मैंने गूगल फोटोज़ में देखा, बोलता भाई ये जो गूगल फोटोज़ में फ़ोटो देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है जो भाई ने मुझे सजेस्ट किया है, बोलता वहाँ पर जाओ फिर देखो उसके बाद कहना कि क्या जन्नत है, और शायद आप उससे बेटर वीडियोज़ जो फोटोज़ वीडियो डले हैं उससे बेटर आप कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली ड्रोन अलाउड है, तो आ जाएंगे ड्रोन उड़ाएंगे और व्यू अल्टीमेट मिलेंगे। टिल दैट टाइम बाय बाय, गुड नाइट, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग राइड सेफ स्टे सेफ। वीडियो देखते रहो, मजे करो, एंजॉय करो, लाइक से सब्सक्राइब बनते रहे, और एक बार फिर से राइड सेफ स्टे सेफ, गुड नाइट यार, आराम से बस, गुड नाइट।